ऐसा सुनने में आता है कि आप जैसा ज्यादा लोग नहीं है इस गवर्नमेंट में जो एक बिजनेसमैन का पल्स समझते हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के पल्स समझते हैं। आपने ये जो 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 ये जो जो है भी मेरे साथ चिपका भी बात, मैं दुखी हूँ इससे, हाँ जी मैं इससे बहुत दुखी हूँ। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, मैं इमोशनल हूँ और मैं सोशल एंटरप्रेनर हूँ। प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बना, अभी मैं सोशल प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं 1200 एकल विद्यालय चलाता हूँ गढ़चिरौली जिले में, जहाँ नक्सल एक प्रॉब्लम है, 1800 टीचर है और 16 साल 22 साल से चला रहा हूँ। मैं महिलाओं को कॉटन जो वेस्ट है उससे अच्छे दरिया बनाता हूँ, जो अभी 1200 महिलाओं को 15,000 12,000 रुपये महीना मिलता है। मेरे टोटल एग्रीकल्चर रूरल और ट्राइबल सेक्टर में काम करता हूँ। अब मेरे लड़के वो बिजनेस के, वो राजनीति में नहीं है, उन्होंने अलग किया। मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़ का है, बायो फ्यूएल ये वो सब का। तो ये मैं, अगर मेरे पास एक्सपर्टाइज टनल का है, रोड का है, सिविल इंजीनियरिंग का है, पर मैंने ये काम नहीं किया, तो ये मेरी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। दूसरी बात, जब मैं ये इकोनॉमिक थिंकिंग रखता हूँ, जो लिबरल इकोनॉमिक थिंकिंग है, आप देखो एक बात, ये रामनाथ गोयनका जी के समय का याद करना, क्योंकि तो मैं इमरजेंसी के साथ देखता था। 47 के बाद सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, तीन शब्द रहते थे, इनको ज्यादा मालूम है मेरे। आप मुझे बताइए, तब कोई कहता था, मैं बर्धन साहब को बहुत मानता था, मैं नागपुर के थे, तो मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं सोशलिस्ट हूँ। अब धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी में, चाइना में गया था जब बीजेपी के प्रेसिडेंट के नाते उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो पूरी लिबरल इकोनॉमी शांघाई सब, उधर नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज जो थे मंगोलियन, उनने पैसा लाया, डेवलप हुआ, और चाइना अब लिबरल इकोनॉमी है। तो मैंने उनको पूछा, ना यार केवल लाल झंडा छोड़ के तुमने सब छोड़ दिया। उन्होंने कहा हमारे देश का प्रोग्रेस जिसमें वो हम करेंगे। अब कम्युनिज्म खत्म हो गया, सोशलिज्म खत्म हो गया, कैपिटलिज्म अमेरिका में वो भी नहीं है, नो पूरा विश्व अब नए सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग के शोध में है। और जो पहली बात आपने कही कि गरीबी दूर करनी है तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा तो जब तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ पाएगा। अगर उसको ग्रोथ बढ़ानी है, इंडस्ट्री लानी है, तो वाटर पावर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हुए बिना वो नहीं आएगा, और ये सब डेवलप हो गए, एक के साथ एक मल्टीप्लाई होगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तब रोजगार बढ़ेगा, तब पर कैपिटा इनकम दूर दूर मिले बढ़ेगा, तब गरीबी दूर होगी। तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ये सबके लिए है, पर वो कैसे हो, जल्द से जल्द कम समय में ये कैसा उद्दिष्ट साध्य हो सकता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट एजेंडा। और मुझे लगता है इसमें अभी जो सरकार में हम काम कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से जल्दी सफलता मिलेगी। पर इधर पॉपुलेशन बढ़ रही, अब मुझे बताएं, रोड बड़े नहीं हो सकते, शहरों में लोग जा रहे हैं, देर आर प्रॉब्लम। पर एक बात आपको अच्छी बताता हूँ जो मैंने याद रखी है, देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम। तो समस्या को आह्वान के रूप में स्वीकार करो और समस्याओं का रूपांतर अपॉर्चुनिटी में करते जाओ, निगेटिविटी से रो के कोई फायदा नहीं, चलते रहना चाहिए, अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलता है।